हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज टू ओवरशूट कार्बन एमिशन गोल्स से स्टडी, देखते हैं क्या है। डेवलप्ड कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3/4 ऑफ द एग्जिस्टिंग कार्बन एमिशन विल एंड अप कमिटिंग 38% मोर कार्बन इन 2030 देन दे हैव कमिटेड टू। गोइंग बाय करंट ट्रेजेक्टरीज शोज अ स्टडी पब्लिश बाय लास्ट वीक बाय द दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर। देखिए, CEEW इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर। ये दिल्ली बेस्ड है, ठीक है, हमारे इंडिया का थिंक टैंक है। और इसने क्या बोला है, ये डेवलप्ड कंट्रीज जो अभी अभी बस 3/4 के लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन एमिशन के लिए, वो एमिट करेंगे 38% ज़्यादा बाय 2030। देखते हैं क्या है। द स्टडी विच केम अहेड ऑफ द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP28 ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी कौन सा हो रहा है, 28th हो रहा है, ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो UNFCCC है ये, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म UNFCCC है। टू बी हेल्ड इन दुबई, ये कहाँ पे हो रहा है आपका, दुबई में हो रहा है, ठीक है, हेल्ड इन दुबई इन नवंबर एंड दिसंबर शो दैट 83% ऑफ दिस ओवरशूट विल बी कॉज बाय US, रशिया एंड द यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पे देखिए, US, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन, ये दोनों मिला के 83% ही आपका कवर करेंगे। द COP28 कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू गिव एन अकाउंट फॉर देयर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, NDCs, यहाँ पे बताया जाएगा, विच आर देयर अर्लियर एमिशन टू द कमिटमेंट्स टू द UN ऑन एमिशन कट्स। द CEEW क्या है आपका, CEEW, देखिए, काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, ये दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, जैसा यहाँ पे मैंने बताया आपको। स्टडी नोटेड दैट द NDC, NDC क्या हो गया आपका, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोबल एवरेज रिडक्शन ऑफ एमिशन टू 43 बिलो 2019 लेवल्स दैट इज नीडेड टू कीप टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग अबोव 1.5 डिग्री सेल्सियस। इंस्टेड डेवलप्ड कंट्रीज कलेक्टिव NDCs ओनली अमाउंट टू अ 36% कट। फॉर अ फाइटिंग चांस एट कीपिंग वार्मिंग बिलो क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट, डेकेड्स ऑफ नेगोशिएशंस हैव ऑब्लाइज डेवलप्ड कंट्रीज टू लीड ग्लोबल एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन विथ लीगली बाइंडिंग टारगेट्स। कलेक्टिवली डेवलप्ड कंट्रीज वर टू रिड्यूस एमिशन बाय 5% फ्रॉम देयर 1990 लेवल्स बिटवीन 2008 एंड 2012 एंड बाय 18% ड्यूरिंग 2013 एंड 2020। सेवरल कंट्रीज हैव कमिटेड टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। डूइंग सो वुड रिक्वायर स्टडी मेजरेबल कट्स एवरी डेकेड अंटिल दैट ईयर। एज एन इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव कंट्रीज प्रेजेंटेड डेटा टू द यूनाइटेड नेशन ऑन देयर प्रोजेक्टेड कट्स अंटिल 2030। टू कीप टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू कट एमिशन टू 43% बिलो देयर 2019 लेवल। तो 2019 में वो लोग जो कर रहे थे उससे 43% कम करेंगे, तब आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहेगा। हाउएवर CEEW स्टडी फाउंड दैट बेस्ड ऑन देयर करेंट एमिशन ट्रेजेक्टरी देयर कट वुड लाइकली टू अमाउंट टू ओनली 11%। तो जहाँ पे 43% कट होना चाहिए था वो बस 11% होगा बाय 2030। एक्सपेक्टेड फॉर टू कंट्रीज बेलारूस एंड नॉर्वे, नन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज सीम टू बी पार्ट टू मीट देयर 2030 टारगेट्स। दो जापान एंड कजाकिस्तान आर क्लोज एंड आर एक्सपेक्टेड टू मिस देयर टारगेट्स बाय ओनली अ सिंगल परसेंटेज पॉइंट। तो जैसे 43 है तो 42 इन दोनों का है, तो हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, नॉर्वे कजाकिस्तान की जो बात हो रही है यहाँ पे, अब चलिए एक बार इसका हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ फैक्चुअल जो डेटा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं CEEW क्या है। ये दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, ठीक है, इसने रिपोर्ट दिया है आपका, क्या है रिपोर्ट का नाम आप देखिए। सबसे पहले इसका नाम देखिए, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, ठीक है, ये इसका है, विल एंड अप एमिटिंग 38% मोर कार्बन इन 2030। सिंपल सी बात, हम कमिट क्या है, 43
3% इनको अपना डेवलप कंट्रीज को लोअर करना है, पर जो प्रेजेंट ट्रेजेक्टरी है इन लोग के एमिशन कट की, कार्बन एमिशन कट की, वो 11% ही होगा बाय 2030। कौन कौन लोग इस टारगेट को लग रहा है ठीक कर लेंगे डेवलप कंट्रीज में, आप देखिए नॉर्वे यहाँ पे लिखा है, नॉर्वे एंड बेलारूस, ठीक है, नॉर्वे एंड बेलारूस विल अचीव टारगेट, ठीक है। और थर्ड में आप देखिए जापान एंड कजाकिस्तान, ये मतलब 43 के जगह ये करेंगे 42, बस 1% इनका मिस हो रहा है, तो ये भी कर लेंगे, और बाकी कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं कर रही हैं, ठीक है, ये तो हमने देख लिया एक चीज। अब ये देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस करने के लिए डेवलप कंट्री को 43% होना चाहिए 2019 के लेवल से, ये भाई 2019 के लेवल से यहाँ पर, ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। तो आप देखिए डेवलप कंट्रीज वर्क टू रिड्यूस एमिशन बाय 5% फ्रॉम देयर 1990 लेवल्स बिटवीन 2008 एंड 2012 एंड बाय 18% ड्यूरिंग 2013 एंड 2020। सेवरल कंट्रीज हैव कमिटेड अचीविंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय इतना ड्यूरिंग सो रिक्वायर स्टडी मेजरेबल कट्स, तो ये तो हो नहीं रहा है अभी, ये साफ हमने देख लिया ये चीज़ें हुई नहीं है। और तीसरा हमें एक इम्पॉर्टेंट अभी जो न्यूज़ में आएगा एग्जाम में होंगे, COP28 होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है, दुबई में होने वाला है, ठीक है, UNFCCC हमें पता होना चाहिए क्या है, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखिए 83% ऑफ ओवरशूट विल बी कॉज बाय US, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन, ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट, 83% कौन कर रहा है, US, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ये ओवरशूट जो मतलब अभी कर रहे हैं प्रोड्यूस, ठीक है, एक्सपेक्टेड टू काउंट ऑफ देयर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यही हमने आर्टिकल देख लिया, इस आर्टिकल में इतनी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये आपके कुछ फैक्चुअल डेटा पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए क्या है क्या नहीं है, कौन सी कंट्रीज कर रही है कौन सी नहीं कर रही है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, थैंक यू।